कीरतपुर नेरचौक फोर लेन का काम पिछले काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब इसके जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि ये निर्माण कार्य 15 मई तक पूरा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लिए पर्यटन की दृष्टि से ये परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मंडी के परियोजना निदेशक ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचित कर दिया है कि ये प्रोजेक्ट अब पूरा हो रहा है। परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी भी उनके साथ यहाँ मौजूद हो सकते हैं। हालांकि अभी उद्घाटन का स्केड्यूल तय होने में वक्त लगेगा। केंद्रीय मंत्रालय की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही ये तय होगा कि उद्घाटन के लिए यहाँ पर कौन आएगा। परियोजना में टनल्स और पुलों का 6.5% निर्माण काम बाकी है। परियोजना पूरी होने के बाद गरा मोड़ा से सुंदर नगर के भवाना तक पहुँचने में 3.5 घंटे के स्थान पर सिर्फ 50 मिनट लगा करेंगे। इसके साथ साथ जाम से भी छुटकारा मिलेगा। खास बात यह है कि जकातखाना और मंडी भराड़ी में रेल लाइन बीच में आने से यहां डबल लेन बनेगा। फोर लेन में 2 टोल प्लाजा बिलासपुर के बलोह और पंजाब के बोरा में बने हैं। फोर लेन को बनाने में 4,200 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है और इसे पूरा करने में 10 साल का समय लगा है। कीरतपुर नेरचौक फोर लेन शुरू होने से चंडीगढ़ से मनाली पहुँचने में 8 के बजाय केवल 4 घंटे लगा करेंगे। वहीं कुल्लू, हमीरपुर और मंडी के लोगों को भी इसका लाभ होगा। दूसरी ओर नेरचौक मनाली फोर लेन के 2 चरण का काम पूरा हो चुका है और 3रे का काम चल रहा है। वर्तमान में कीरतपुर से नेरचौक की दूरी 114 किलोमीटर है, लेकिन फोर लेन बनने से ये दूरी केवल 77 किलोमीटर रह जाएगी। सौंदर्यीकरण के लिए डिवाइडर में दोनों ओर 36,235 पौधे लगाए गए हैं। फोर लेन में मां नैना देवी के मंदिर, गोविंद सागर झील और एम्स बिलासपुर तक पहुंचने में आसानी होगी। परियोजना के तैयार होने से जहां प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनाली तक जाने वाला ये फोर लेन सेना के लिए मददगार होगा। सेना को लद्दाख तक पहुँचने में आसानी होगी।